घर में और आंगन में और हर मानव में मिल जाए महावीर की छाया। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजरा तारा। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजरा तारा। चलिए जोरदार तालियों से इन बच्चियों का अभिवादन कीजिए। ये सभी यहीं की बच्चियां हैं, इनके लिए खूब अच्छे से ताली बजा दीजिए। पारस चैनल के हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं वे हमें दीपक जी इशारा दें। दीपक स्टार्ट। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की, जय बोलो महावीर भगवान की। अच्छे से जयकारा लगाएं। जय बोलो करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, दोनों हाथ ऊपर करके। जय बोलो प्रज्ञा श्रवणी अर्का श्री चंद्रामती माता जी की। जय बोलो पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की। इस सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ इन बच्चियों के नृत्य से हम कर रहे हैं। उसके पश्चात हम पूज्य स्वामी जी से इस कुंडलपुर के विषय में जानेंगे कि भगवान महावीर स्टार्ट करेंगे कि भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पे कैसी खुशियां मनाई थी और यहाँ पर हम कैसी खुशियां मनाने के लिए आए हैं। स्टार्ट। भैया पेन ड्राइव चालू करो इन बच्चियों के लिए। चलिए अब हम पूज्य स्वामी जी के द्वारा इस कुंडलपुर में जब भगवान का जन्म हुआ था तो किस प्रकार से खुशियां चाही थी उस विषय में हम पूज्य स्वामी जी से सभी लोग हम जानेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। सभी लोग शांतिपूर्वक 15 मिनट बैठेंगे। 5 मिनट के लिए मैं भगवान महावीर के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद सबको खूब बाजे बजाना है, समझ गए ना। भगवान महावीर का जन्म सायंकाल रात्रि में माना गया है, त्रयोदशी की रात्रि में 8 बजे के बाद। सभी लोग ध्यान रखो, त्रयोदशी की रात्रि में 8 बजे के बाद भगवान महावीर का जन्म माना गया है। उस खुशी में सभी लोग खूब बाजे बजाएंगे, नाना प्रकार के वाद्य बजाएंगे 5-10 मिनट के बाद, और उसके बाद खूब खुशियां मनाएंगे। अब आपको भगवान महावीर के जीवन दर्शन से संक्षेप में परिचित होना है। नंबर एक, भगवान का जन्म कहां पर हुआ बताओगे, कौन बताएगा? भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ? भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? जा जोर से बोलो सब लोग। भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ और कुंडलपुर वर्तमान में नालंदा जिले में बिहार सरकार में है, समझ गए ना। तो ये बिहार है और ये नालंदा का जिला है और कुंडलपुर नाम का ग्राम है। यहाँ पर भगवान महावीर ने चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जन्म लिया। सब लोग बोलो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। सब लोग बोलो भाई, पीछे जो लोग बैठे सब लोग बोलो, सबको याद हो जाए। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन
भगवान महावीर ने कुंडलपुर में जन्म लिया, ठीक है, सबको ध्यान रहेगा। तो ये महावीर जयंती हम लोग 2622 साल व्यतीत हो गए और 2623वीं जन्म जयंती भगवान महावीर स्वामी की मनाने के लिए भगवान महावीर के जन्म स्थान, जन्म नगर, जन्म शहर जहां पर उन्होंने जन्म लिया और उनके पिता का नाम क्या था, राजा सिद्धार्थ, और उनकी माँ का नाम था रानी तिसला, ठीक है, राजा सिद्धार्थ महारानी तिसला के आंगन में भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ, एक बात। दूसरी बात, भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, सब लोग ध्यान रखना, भगवान महावीर ने शादी नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी थे। 5 मिनट रुक जाओ जरा, 5 मिनट सब लोग 5 मिनट रुक जाइए, अभी बाजे बजवाते हैं। भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी नहीं की और 30 वर्ष की आयु में भगवान ने दीक्षा ग्रहण की, समझ गए, 30 वर्ष की उम्र में भगवान ने दीक्षा ग्रहण की और 12 साल की तपस्या के बाद भगवान महावीर को 42 साल की आयु में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तपस्या के बाद, दीक्षा लेने के बाद तपस्या करते हैं हमारे तीर्थंकर भगवान और उसके बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई है, द्रंबिका नाम के नगर में जो यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, वर्तमान में उसका नाम है जमुई, जमुई नाम का जिला है, वहां पर भगवान का केवल ज्ञान नाम का स्थान है, वहां पर भी हमने माता जी की पावन प्रेरणा से वहां पर तीर्थ बनाया है, केवल ज्ञान तीर्थ, और वहां पर भी 9 फीट उत्तुंग भगवान की प्रतिमा हमारे अनिल कुमार जैन त्रिवेदी विहार दिल्ली के सौजन्य से विराजमान की गई है, समझ गए ना, हाँ, इन्हीं के सौजन्य से 9 फीट ऊंची छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जमुई के अंदर प्रतिमा विराजमान करके भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक तीर्थ बनाया गया। और उसके बाद भगवान का समोषण, पहला समोषण कहाँ आया, राजग्रही में, कल प्रातःकाल आप सबको राजग्रही के दर्शन कराए जाएंगे, वहां पर पिपलाचल पर्वत नाम का पहाड़ है और वहां पर भगवान का समोषण आया। भगवान का समोषण 30 साल तक, सन यानी भगवान की आयु 42 साल में केवल ज्ञान हुआ, 72 साल की आयु में भगवान को मोक्ष हो गया, तो बीच के 30 साल तक भगवान का समोसरण सारे देश के अंदर गया, पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भरत क्षेत्र के अंदर भगवान का श्री विहार हुआ, समोसरण हुआ, दिव्य ध्वनि गिरी और उनके मुख्य गणधर थे गौतम, गौतम गणधर उनके मुख्य गणधर थे। भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ से हुआ है, पावापुर, यही 5 महिलाएं बोल रही हैं, बाकी सब मौन। भगवान महावीर को मोक्ष निर्वाण हुआ है पावापुर के सरोवर से, आज भी यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर पावापुर है, वहां पर सरोवर है, सरोवर में कमल खिले हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो उस मिट्टी को, वहां की मिट्टी को लोग इतना माथे पर लगाया, इतने लाखों लाखों लोगों ने आकर के उस पवित्र मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाया कि वो मिट्टी खाली होकर के और तालाब बन गया, ऐसा कथानक आता है। जय बोलो महावीर भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। और उसके बाद जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ है प्रातः काल, उस दिन दीपावली मनाई जाती है और उसका नाम है अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। उस दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो जाता है और बाद में गौतम स्वामी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान महावीर का छोटा सा इतिहास है। बाल ब्रह्मचारी थे, 12 साल तक तपस्या की, 30 साल की आयु में दीक्षा ली, 30 साल तक केवल ज्ञान होकर के समोषण का श्री विहार हुआ, 72 साल की आयु में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो कुंडलपुर, राजग्रही,
पावापुर और जमुई, ये चार भगवान महावीर के कल्याणक क्षेत्र हैं और इनकी वंदना पूजगणी ज्ञानमती माता जी ने की है और चारों कल्याणक क्षेत्रों पर गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से निर्माण कराया गया। एक बार माता जी के लिए सब लोग देखो, लोग कहते हैं महिलाएं कुछ नहीं करती हैं और महिलाएं अबला हैं, कहते हैं ना, और महिलाओं को नंबर दो मानते हैं पुरुष लोग, वो सोचते हैं कि ये तो नंबर वन है। तो देखो ज्ञानमती माता जी ने महिलाओं का कितना मस्तक ऊंचा किया, इतने इतने बड़े तीर्थ दे दिए और क्या दिया, 500 ग्रंथों का लेखन हमारे किसी आचार्य ने नहीं किया है, 500 ग्रंथों का लेखन केवल ज्ञानमती माता जी ने किया है। आज 100 से अधिक मंडल विधान, शिक्षक विधान, कल्पद्रुम विधान, इंद्रद्रुम विधान, सर्वतोभद विधान, सब विधान, महावीर विधान, ये सब ज्ञानमती माता जी ने लिख करके 100 से अधिक विधान लिख दिए हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी नारी ही तो हैं, है ना नारी, पुरुष तो नहीं है लेकिन पुरुष से बढ़कर के 108 फीट के भगवान दे दिए, 108 फीट के भगवान, इतना सुंदर तीर्थ बनवा दिया। तो ऐसी ज्ञानमती माता जी खूब चिरायु हो, सतायु हो, हम सब लोग भगवान महावीर से यही प्रार्थना करते हैं कि ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद, ज्ञानमती माता जी का वरद हस्त हम, हमें और आपको सबको बराबर मिलता रहे, यही भावना है सबकी। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की, अब आज सब लोग वहां पर बाजे बजाने के लिए आए हैं जहां पर भगवान ने जन्म लिया, खूब बाजे बजाओ, चालू कर दो, चलो महावीर भगवान की। और संगीतकार
जय वीर प्रभु महावीर प्रभु की मंगल दीप प्रज्वलित
के बोलो, जरा दिल से बोलो, अरे दिल से बोलो, अरे मुंह तो खोलो, और माता जी बोले, और मिलके बोले, और दिल से बोले, जरा हंस के बोलो, और बहना बोले, और बच्चे बोले, और मैं भी बोलू, और तुम भी बोलो, और जय महावीरा, और जय महावीरा, और जय महावीरा, और जय महावीरा, और महावीर स्वामी, ओय महावीर स्वामी, हो तिश्रानंदन, अरे काटो जग बंदन, अरे महिमा तुम्हारी, अरे महिमा तुम्हारी, है जग से न्यारी, ओ महावीर स्वामी मोरे अंतरयामी, महावीर स्वामी मोरे वन ठन में तप करने वाले, स्वामी मोक्ष को जाने वाले, बोल महावीर भगवान की जय। जिन्होंने जय धवला धवला जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करके विगत कुछ वर्षों पहले ये बात संज्ञान में आई, और उसके साथ में तिलोपन्नति आदि ग्रंथों में भी, कि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, और जब माता जी को ये लाइन दिख गई, ठीक से समझ ली, तब से लेकर के 3-4 साल 5 साल हो रहे हैं, लगातार माताजी रात में भगवान के जन्म की खुशियां अवश्य मनवा रही हैं। कोरोना काल में भी काफी आनंद लिया सभी लोगों ने, और रात्रि में भगवान महावीर की जन्म जयंती को इसी वाद्य के साथ, ध्वनि के साथ, जयकार के साथ और तालियों के साथ घर घर में ये महावीर जयंती मनाई गई। तो अभी तक जिस प्रकार महावीर जयंती मनाने का क्रम चल रहा था, प्रातःकालीन भगवान की रथ यात्रा, अभिषेक, सभा आदि, लेकिन उसके साथ अभी क्रम एक और जुड़ गया है कि रात्रि में जहाँ पालना झुलाते हैं, जहाँ पे आरती करते हैं, उसके साथ ये ज्ञानमती माता जी का चिंतन, सोच, उनकी खोज, जिसने समाज को एक नया उत्साह मनाने का, उत्सव मनाने का मौका दे दिया है, और वो है भगवान महावीर स्वामी की जयंती को रात्रि में भी इस प्रकार से बाजे गाजे के साथ मनाया जाए, और घर घर में आज मनाया गया, सभी लोगों ने काफी आनंद लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आनंद हम कुंडलपुर में भगवान महावीर की साक्षात जन्मभूमि से भी आज देख रहे थे, उसके साथ पूज्य ज्ञानमती माता जी पूरे संघ के साथ, आरिका श्री चंद्रामती माता जी, सब लोग अयोध्या में विराजमान हैं, और यहाँ अयोध्या में भी हमारे भक्तों ने, संघस्थ सभी शिष्यों ने आज भगवान महावीर की जयंती को उल्लास के साथ, बाजे गजे ध्वनि के साथ मनाया है। तो ये भगवान महावीर जयंती हम सबके जीवन में बहुत मंगलकारी हो, और पूज्य पीठाधीश स्वामी जी वहाँ कुंडलपुर में विराजमान है, वो वहाँ पर उत्साह मनवा रहे हैं, पूज्य माता जी यहाँ मनवा रही हैं। आइए अब पालना झुलाने का कार्यक्रम यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे। तो हमारे संगस्त बीना बहन जी आ जाएं और शुरुआत कराएं पालना झुलाने की, और उसके साथ क्रम से हमारे जो भक्तजन आए हैं, जगाधरी से आई हैं, और हमारे भाई दिल्ली से भी हैं, सभी लोग आकर के भगवान का पालना झुलाएं।
कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई, की नगरी में वीर जनने, की नगरी में वीर जनने, महावीर जी जग भाग जी, जग भाग है कृष्णा माघे, जग भाग है कृष्णा माघे, की नगरी में वीर जनने, नगरी में वीर जन्मे महावीर जी, बज कुंडलपुर में बधाई। वीर जन्मे महावीर जी, अरे मोटे मोटे नैनन के तू, अरे काले काले नैनन के तू, अब एक भगवान महावीर का भजन पारुल जैन के द्वारा, एक भगवान महावीर स्वामी का भजन। देखो गणी ज्ञानमती माता जी, पूरा संघ अयोध्या में बैठ करके यहाँ का कार्यक्रम देख रहे हैं। देखो ये भगवान माता जी के द्वारा वहाँ पर पालना झुलाया जा रहा है, अयोध्या में पालना झुलाया जा रहा है। देखो सब बहन जी माता जी के सानिध्य में पालना झुला रही हैं। आपको भी देख रहे हैं देश के सब लोग, लाखों लाखों लोग आपको भी देख रहे हैं और अयोध्या को भी देख रहे हैं, समझ गए। चलो बोलो बोलो। देखो ये यहाँ का दृश्य, ये पारस नगर पे चल रहा है, सारे देश के अंदर पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कुंडलपुर और आपकी भक्ति को। अब आप लोग देखो ऐसा भजन बोलो, ये सब लोग खूब उछल उछल के नाचे, ठीक है, उछल उछल के। जय भजन महावीर भगवान का जन्मोत्सव है तो जन्म का भजन में गाते हो। सारी नगरी में सारी शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, हो शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, कि स्वर्ग से देव आई, कि स्वर्ग से देव आई, महावीर जी तेरा नमन करूं मैं रूप पर, ओ तेरा नमन करूं। गयो हल्ला गयो महलों में लल्ला, गरीब में मच गयो हल्ला, गयो महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला। ओ राजा पास रहे, राजा पास रहे, सखियों को चल्ला, गयो महलों में लल्ला, गरीब में मच गयो हल्ला,
इच्छु रस से अभिषेक की बोली आपने ली है, आप ऊपर जाइए इच्छु रस से अभिषेक करिए। प्रदीप जैन, धर्म पत्नी श्रीमती चंदा रानी जैन, पुत्र प्रिंस जैन, पुत्री रिया जैन, पहुंच जाए ऊपर में। संजय कुमार जैन, जम्बुदी बस्तनापुर, सभी लोग ऊपर में पहुंच जाए। और अभिषेक संतरा रस का अभिषेक हो गया, वो आ जाए नीचे। अब इच्छु रस वाले, इच्छु रस प्रदीप जैन और उनका परिवार कानपुर। चलिए थोड़ी सी भक्ति कराओ। खड़े हो जाएंगे हमारे सौदरविंद्र जी महाराज, सभी इंद्र खड़े हो जाएंगे और भक्ति के साथ में। मस्तक अभिषेक कर, प्रभु का अभिषेक कर, मस्तक अभिषेक कर, प्रभु का अभिषेक कर, खुशियों की बेल आ गई रे, प्रभु की छवि बन को आ गई रे, प्रभु की छवि बन को आ गई रे, मस्तक अभिषेक कर, प्रभु का अभिषेक कर, मस्तक अभिषेक कर, प्रभु का अभिषेक कर, खुशियों की बेल आ गई रे, प्रभु की छवि बन को आ गई रे, प्रभु की छवि बन को आ गई रे। सुषमा जैन दिल्ली पहुंच जाए अभिषेक करने के लिए। जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वे नीचे आते रहे। अनार रस वाले नीचे आ जाए। इसी क्रम में घी से अभिषेक करने के लिए एसके जैन विकासपुरी वे तैयार रहिए। एसके जैन विकासपुरी तैयार रहेंगे। बोले प्रभु कुछ करनी आदि का श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भक्ति कराओ, भक्ति कराओ। अरे भक्तों ने दिल में ये ठान लिया है, भक्तों ने दिल में ये ठान लिया है, सबसे पहले मूर्ति का निर्माण किया है, दर्शक टीवी पे बने हुए हैं। डॉक्टर धर्णेंद्र कुमार राव का देशभूषण औषधालय जयपुर, इनकी ओर से कलश, समिति की ओर से धन्यवाद। शोभा जैन, पर्ल जैन, बुद्ध विहार दिल्ली, इनकी ओर से कलश, समिति की ओर से खूब खूब आभार। चलिए अब अभिषेक आम के रस का कलश ले लो। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं वरं भं मं धं सं तं भं धं भं मं मं भं मं सं सं धं तं भं भं
का चंदन तंदुल पुष्प गई चरस दीप सुदूप फलार के गई धवल मंगल गंधर वाकुले ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम रिम से जिने नैन मार्ग न पामिते स्वाहा। सभी भक्तों को पूरे पारस चैनल के दर्शकों को जानकर के खुशी होगी कि सारे देश के अंदर हजारों स्थान पर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव मनाई जा रही है, जन्म कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा है। और वहीं पर जहां भगवान महावीर ने जन्म लिया ऐसा एक ही स्थान है कुंडलपुर नालंदा बिहार। यहां पर भगवान महावीर की जयंती बड़े उत्साह पूर्वक मनाई जा रही है। दूर दूर से भक्तगण यहां पर आए हैं और भगवान का अभिषेक करके कितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। असीम पुण्य प्राप्त हो रहा है और ये पुण्य उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। योगी भगवान महावीर बहुत ही अतिशय से संपन्न, प्रतिष्ठा से संपन्न, मंत्रों से संपन्न भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं हरं बं बं हं शं तं बं हं बं 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 हं हं शं शं एसके जैन भैया दिल्ली सुनो, घी का अभिषेक है, घी का अभिषेक है एसके जैन। हाँ ये आ जाओ आगे, चलिए करिए, जिनकी बोली है वो आगे रहो। एसके जैन विकासपुरी दिल्ली। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं हरं बं बं हं शं तं बं हं बं 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 हं हं शं शं तं तं बं बं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रवे द्रवे जं जं ध्रीं श्रीं मां सा त्रैलोक्यस्वामिनो व्रताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अरे कुण्डलपुरी सब है आया कुंडलपुरी का सब है आया भक्तों के दिल में आनंदित आया भक्तों के दिल में आनंदित आया कलश झलकेगा पुण्य भरी सीधा कलश झलकेगा पुण्य भरी सीधा और भक्तों ने मिलके अभिषेक किया है थी। हमारे संस्थान के विशेष सहयोगी भाई प्रदीप जी जैन खारी बावली, वो भी पारस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर एवं उससे संबंधित सभी संस्थाओं में उनके पिताजी श्री प्रेमचंद जी ने सदैव एक स्तंभ का रूप लिया है, स्तंभ के रूप में कार्य किया है। आज भाई प्रदीप जी अपने परिवार की परिपाटी को कायम करते हुए स्वामी जी के कंधे से कंधा मिला करके जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी एक कलश श्रीमती निर्मल जैन, प्रदीप जैन, धर्मपत्नी हेमलता जैन, नमन जैन, आयुषी जैन, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, इनकी ओर से एक कलश, समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जैन, प्रल जैन दिल्ली, इनकी ओर से भी एक कलश, समिति की ओर से धन्यवाद। पुखराज मनोज कुमार पांड्या गोरखपुर, पुखराज जी सदैव ही जो भी योजना संस्थान से निकलती है उसमें सदैव सदैव अपना योगदान देते हैं। ऐसे भाई पुखराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें और उनको समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री
श्री प्रमोद कुमार जी सो सुनीता झमल सुनीता कास्तीवाल औरंगाबाद से, इनकी ओर से भी एक कलश है। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ति निर्माण कमेटी के हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार साधुवाद। उन्होंने भी इस महावीर जयंती में एक कलश अपनी ओर से लिखाया है। समिति की ओर से धन्यवाद। चलिए अगला कलश हरिद्रा का प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन और उनके परिवार की ओर से, श्रीमती कुमुदनी जैन गणली ज्ञानमती माता जी संघ की ओर से हरिद्रा का अभिषेक। श्री प्रदीप जैन कानपुर, संजय कुमार जैन जम्मूदीप हस्तिनापुर, सभी लोग आ जाएं ऊपर। भैया हल्दी का कलश दे दो। क्या कहा है? सत्य श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की 5100 रुपए, 5100 रुपए। अरुण जैन, नीलम जैन दिल्ली, इनकी ओर से एक कलश। समिति की ओर से बहुत बहुत आभार। एक मिनट, आप पीछे हो जाओ। हल्दी का अभिषेक होगा। संजय भैया आगे आ जाओ। सबको हल्दी का कलश दे दो, हल्दी का कलश दो। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे। हेलो, क्या कहा है? अरे सारे परिसे हंस करके जो सहते हैं, अरे सारे परिसे हंस करके जो सहते हैं, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जिनको कहते हैं, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जिनको कहते हैं, अरे आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा, माँ ज्ञानमती से प्रेरणा इनमें पाई है, कुंडलपुर में प्रतिमा ये प्रगटाई है। Thank you.
अनिल जैन जयपुर, मनोज जैन प्रयागराज, अरविंद जैन दिल्ली, सुनील जैन दिल्ली, निर्मल जैन पटना आ जाए चतुर्कोण कलश करने के लिए। अजी हो मेरे पिता लुटावे मोहरे, सूचनाएं निरंतर प्राप्त हो रही हैं। कमलेश जैन, महावीर जैन जयपुर वाले, इनको समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सौ पुष्पा जैन, अशोक जैन मेरठ, इनको भी समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आभार, जिन्होंने कलश करने का सौभाग्य लिया है। अब चतुर्कोण कलश वाले आ जाएं। चतुर्कोण कलश भैया और मस्त का अभिषेक कर, प्रभु का अभिषेक कर, मस्त का अभिषेक कर, भिन्नो अभिषेक कर, प्रभु की छवि मन को भा गई रे, प्रभु की छवि मन को भा गई रे, हाँ प्रभु की छवि मन को भा गई रे, मस्त का अभिषेक कर। ओम शांति। कैलाश पाटनी, मीना पाटनी, दिलीप पाटनी, गगन पाटनी जयपुर, इन्होंने एक कलश की घोषणा की है, समिति की ओर से धन्यवाद। चतुर्कोण कलश हो रहा है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेम रम बम बम हम सम तम कम उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसरी शरीफ शुरूप फलार के कई तवाज मंगल गाली रबागुल निग्रह गिरदाद महमेरे। ओम रीम श्री जिनेंद्राय नमार्घ्यम निरुपामिति। अब इसी क्रम में चंद्रशेखर कासलीवाल, इन्होंने केसर से अभिषेक करने का सौभाग्य लिया है। चंद्रशेखर कासलीवाल, यथा नाम तथा गुण, जैसे चंद्रशेखर नाम है वैसे ही चंद्रशेखर जैसे है, और अब केसर से अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। भगवान को केसरिया केसरिया करेंगे। नासिक चांदवड़ महाराष्ट्र से हमारे बीच में है, आ जाइए चंद्रशेखर जी, केसर लेके आ जाइए। भाई अतुल जी जो दिल्ली से आए हैं, आ जाइए हमारे बीच में, कुछ लाभ लो आप भी, ऊपर आ जाओ। बंधुओं, पारस चैनल के दर्शकों को पुनः सूचित करना है, बहुत थोड़ा सा समय है सीधे प्रसारण का। मध्यान्ह में नवग्रह के नव तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक, भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का अभिषेक ठीक 2:30 बजे से चालू हो जाएगा। 2:30 बजे से 4 बजे तक आपको सीधे प्रसारण में पुनः अभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिनका भी कलश बोलने से रह जाएगा नाम, हम मध्यान्ह में उनके कलशों की घोषणा करेंगे। अभी 11 बजे तक सीधा प्रसारण चलेगा और उसके पश्चात करो। ओम रीम श्रीम क्लीम हेम रम बम बम हम सम तम बम 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 हम गम सम सम तम तम पम पम राम राम द्रीम द्रीम रावे रावे जम जम झीम झीम हम सा त्रैलोक स्वामीनो कल के चुनुद वर्तनम करोमी। और क्या कहा है, परम पूज्य हरिहर कस्त्रो मणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। दीवाना गुरु माँ का, दीवाना गुरु माँ का आया तेरे दर की गुरु माँ सुन ले रे, की गुरु माँ सुन ले रे, सुन ले मेरी पुकारी दीवाना गुरु माँ का, दीवाना गुरु माँ का।
मंगल गानी रे वैकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महमयद ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार जम निरुपामिति। चलिए पुष्प वृष्टि के लिए आ जाए, पुष्प वृष्टि और फूल खिले डाले डाले वृष्टि, फूल खिले डाले डाले ये तो हो गया कमाल, फूल खिले डाले डाले ये तो हो गया कमाल, ओ पुष्प वृष्टि की प्रभु घड़ी आ गई। अभिषेक जैन प्रयागराज पुष्प वृष्टि करेंगे, अभिषेक जैन प्रयागराज। और ऐसा लागे मेरी माँ का भोला भोला मुकुड़ा, और ऐसा लागे मेरी माँ का भोला भोला मुकुड़ा, और जैसे ओम रीम सुमना सुखा प्रदाये पुष्प वृष्टि करो मी बोले महावीर भगवान की जय। लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, अरे लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, कनकुबीर का लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, कनकुबीर का गजाना लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, अरे पट्टी रहा पट्टी रहा पट्टी रहा रे, मेरे बाबा का गजाना पट्टी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, कनकुबीर का गजाना लुटी रहा रे। और ऐसा लागे मेरी माँ का भोला भोला मुकुड़ा, ओए ओए ऐसा लागे मेरी माँ का भोला भोला मुकुड़ा, और जैसे हो अंबर से उतरा चंदा का कोई टुकड़ा, और जैसे अंबर से उतरा चंदा का कोई टुकड़ा, और काला टीका कोई लगा दो, और काला टीका कोई लगा दो, नजर लगी कि जरूर दीवाना गुरु माँ का, दीवाना गुरु माँ का आया तेरे द्वार की, गुरु माँ सुन ले रे, की गुरु माँ सुन ले रे, सुन ले मेरी पुकारी दीवाना गुरु माँ का, दीवाना गुरु माँ का। बोले महावीर भगवान की। अब हमारी अब आरती करवा दो भैया। हेलो आरती, अब आरती करने से प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में प्रमोद कुमारी जैन, अंजू जैन लखनऊ, इनकी ओर से कलश करने का स्वीकृति प्रदान हुई है समिति की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति धारा करने के लिए ऊपर में पहुंच जाएं, श्री पूर्ण कलश वाले पहुंचे, पूर्ण कलश नीलम जैन, रेखा जैन, मंदर जैन, मधु जैन, चंचल जैन दिल्ली, पूर्ण कलश के लिए। और महावीर की मूर्ति की
सौभाग्य वो यहाँ पर करेंगे, जो यहाँ पर कर रहे हैं शांति धारा वे महेंद्र जी राव का, अनिल राव का, पवन जी राव का, रांची वाले वे पहुंच जाए ऊपर में करने के लिए। ये प्रथम है और वो द्वितीय है, पहुंच जाए ऊपर में। वो हमारे पीठाधीश आपके साथ में करेंगे, यहाँ के पहुंचिए ऊपर में। भैया जी, भैया जी, हाँ बोलो। हाँ भजन गा रहे हैं जी। जन्म में है त्रिशला के लाल मंगल गौरी, यहाँ पर किया जा रहा है। ऊपर में पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी विराजमान है, वे अपने हाथों से एक कलश कमल जी और उनकी धर्म पत्नी अनुपमा जी, कुशाग्र पुत्र पुत्र वधुओं और प्रपौत्र की ओर से एक कलश भगवान के मस्तक पे कर रहे हैं। अब महेंद्र जी राव का, अनिल जी राव का, पवन जी राव का पहुंच जाए, वे भी अभिषेक करने का सौभाग्य ले। आज के महोत्सव में हमें जो भोजन में जिन्होंने सहयोग दिया है, श्रीमती नीलम जैन, ललित जैन, मयूर विहार दिल्ली, श्रीमती अंजना नरोत्तम लाल जी जैन गुड़गावा, श्रीमती सुमित्रा रानी सुशील कुमार जैन उत्तम नगर, श्री सुशील जैन मानसरोवर दिल्ली, श्रीमती रीमा जैन, संदीप जैन मोतीनगर दिल्ली, श्री डॉक्टर संतोष हीराचंद दोषी अकलूज महाराज, श्री अरुण कुमार त्रिलोक चंद जैन सहारनपुर, श्रीमती बीना रवि पुत्र अंकित यथार्थ जैन आगरा, श्री सुवीर चंद जैन कासलीवाल दुमानी बाजार पश्चिम बंगाल, श्रीमती रचना स्वर्गीय एम के जैन, पंकज पूर्वा ब्राह्मी पीयूष जैन इनकी ओर से भी फरीदाबाद, इनकी ओर से भी भोजन में सहयोग मिला है, श्रीमती स्वर्गीय विमला देवी, स्वर्गीय सागर चंद जैन पुत्र प्रदीप जैन प्रीतमपुरा दिल्ली, कुमारी डॉक्टर मृदुला कनोड़िया कलकत्ता। हाँ चलिए शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कल मचाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः, श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय,
सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम रा अरमसिया उषा नमः ममचा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगत से प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती मातु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी श्रीमती सरोज जैन शांति धारा करता श्रीमती सरोज जैन धर्म पत्नी स्वर्गी नेमचंद जैन मंगल पांडे नगर मेरठ श्री महेंद्र जैन रावका अनिल जैन रावका पवन जैन रावका रांची अजित जैन रांची सर्व परिवार से सब लोग अपना अपना नाम बोल लो मम मम परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व यदनी कर्म सर्व मोहिनी कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व मोहम सर्व लोभम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गज भयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम सर्व निगडादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व आश्वदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षरण भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंतर ढकिन शकिन्याद भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापारानि भयम सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व सांप्रदायिक द्वेषम सर्व शोक भयम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्द्र उत्तर ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व आयसा सर्व प्रत्यम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाती महावीर सन्मति वीरादवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम रीम श्रीम क्लीम एमरम आद्यानामाते जम्बू दीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे बिहार प्रदेशे भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर नंद्यावर्त महल नाम नगरे वीर निर्वाण सम्मत 2549 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ भगवान महावीर जन्म जयंती अवसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्विध संगत से मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगत से सर्व पूज का नाम सर्व भक्त का नाम श्री महेंद्र कुमार जी राव का श्री अनिल कुमार जी राव का श्री पवन जी राव का अजीत जी राव का रांची सर्व परिवार से सभी लोग अपना अपना नाम ले लें मम मम परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु सर्व शांतिम करो तू मंगलम तनो तू इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया स्वार्धम सर्वारिष्ट गृह दिन अनुकूल अनुकूल कतिगात मणम गाते गाते आयुर द्रागे द्रागे स्वकम साथे साथे ओम रीम त्री शांतिनाथाय जगत शांति कराये सर्वत्रौ शांतिम कुरु कुरु नीम नमः परम पवित्र सुगंधि चलेन जिन प्रथमाया मस्तकोपरि शांति दाराम करो मिधि स्वा चतुर्विध संगत से मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगत से टीवी पर देखने वाले सुनने वाले सभी भक्तजनों के लिए सकल दिगंबर जैन समाज संपूर्ण विश्व बिहार समस्त सकल दिगंबर जैन समाज श्रीमती कुमुदनी जैन सपरिवार से श्री नवीन जैन अलका जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से
सरिता जैन, उमेश जैन, अभिनव जैन, उमंग जैन, दिव्या जैन, सब परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु, तुष्टिम गुरु गुरु, पुष्टिम गुरु गुरु, आरोग्य लाभम गुरु गुरु बसत सपूजिकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र सामन तपोदनाना धीसराज पुरस राजा करो तो शांति भगवान जी लीन्द्र करो तो शांति भगवान जी लीन्द्र करो तो शांति भगवान जी लीन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प गई सुदीप सुदूप पलाजी तवल मंगल गाजी रवाकुल जिनके एक अर्चना फल चढ़ाना है मात्र 5100 रुपए की राशि है जिनको भी अपनी तरफ से अर्चना फल चढ़ाना हो हाथ ऊपर कर दे सिर्फ 5100 रुपए में भगवान के समक्ष अर्चना फल चढ़ाएंगे 5100 रुपए की राशि कौन दानी महानुभाव अपनी तरफ से चढ़ाएगा जल्दी से नाम बता दे एक सेकंड के अंदर सीधे प्रसारण में उनकी ओर से अर्चना फल चढ़ जाएगा और एक कलश भगवान का अभिषेक कर लेंगे शीघ्रता से जिनकी भी भावना हो जिन्होंने अभी तक अभिषेक नहीं किया हो उनको दोहरा लाभ प्राप्त होगा सिर्फ 5100 रुपए में शीघ्रता करें जिनकी भी भावना हो जिनकी भी भावना हो हमारे पास नाम पहुंचाएं अब अनुमोदिना अनुमोदिना अब संगीत नहीं सूचना है दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे तक भगवान ऋषभ देव की 14 फुट उत्तम प्रतिमा का नवग्रह के नौ तीर्थंग भगवान का मस्तिकाभिषेक होगा पारस चैनल के सभी दर्शक ध्यान दें दोपहर में 2:30 बजे से भगवान महावीर के जन्मभूमि कुंडलपुर में महामस्तिकाभिषेक भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का नवग्रह की प्रतिमा का आप सभी के कष्टों को निवारण करने वाले नवग्रह के नौ तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होगा दोपहर में 2:30 बजे शाम को 7:30 बजे यहाँ पर भगवान के जन्म कल्याण के उत्सव पर पालना झुलाया जाएगा बाल क्रीड़ा होगी और रक्त वृष्टि होगी शाम को 7:30 बजे भगवान का पालना भगवान की बाल क्रीड़ा और रक्त वृष्टि का कार्यक्रम शाम को 7:30 बजे से होगा और भगवान का जन्म शाम को 9:45 बजे हुआ है इसलिए यहाँ पर खूब वाद बजाए जाएंगे खूब बाजे बजेंगे शाम को 7:30 से 9 बजे तक देखिए और सुंदर सुंदर नाना प्रकार के वाद्य के द्वारा भगवान का जन्मोत्सव जन्मभूमि कुंडलपुर में मनाया जाएगा दोपहर में पूर्व गणी ज्ञानमती माता जी का भी आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा ध्यान रखें दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे तक चलिए बंधुओं आप सभी को सूचित करना है जो पारस चैनल के दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं वे जो भी कलश करना चाहें घर बैठे भगवान की जन्मभूमि पर एक कलश करने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 5100 रुपए की राशि रखी गई है जिनकी भी भावना हो अपने नाम स्क्रॉल पर चल रही पट्टियों के माध्यम से हमारे पास में भेज सकते हैं उनके नाम की घोषणा 2:30 से 4 बजे तक जो सीधा प्रसारण चलेगा उस सीधे प्रसारण में हम यहाँ पर देखेंगे और अब आप सभी लोग जोरदार भक्ति करेंगे और भक्ति के साथ में हम इस सभा को विराम करेंगे हाँ भाई संगीतकार बजे कुंडल भगवान की जय बोलिए तशला के दुलारे की जय बजे कुंडलपुर में बधाई दीवाना गुरु माँ का और बजे कुंडलपुर अरे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय और जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय ये धर्म है आत्म ज्ञानी का श्री मंदिर महावीर स्वामी का इस धर्म का भैया ये धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म है वीरों का कहना के प्रोग्राम में हमें पूरी सफलता के साथ कुंडलपुर स्टाफ का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ
जिसमें हमारे मैनेजर अनिल जैन, अभय जैन, घनश्याम जैन, रामाधार, जिन्होंने खूब अच्छी जुलूस की व्यवस्था बनवाई, उन सभी को हम समिति की तरफ से खूब खूब मंगल शुभकामना देते हैं। अपने जीवन में खूब उन्नति करें। एवं हमारे हस्तनापुर से कपिल जैन, मिलेश जैन, अंशुल मित्तल एवं हमारे जो भी आए संजय जैन, जम्बूदीप हस्तिनापुर, इन सभी का वहां से ट्रेन लाने में सक्रिय पूरा योगदान मिला और यहां की व्यवस्थाओं में भी, उन सभी को खूब खूब धन्यवाद। हमारे पास एक नाम आया है अर्चना फल के लिए, श्री पदम चंद, कमला जैन, मनीषा पल्लवी सपरिवार गुड़गावा, स्वामी जी उनकी तरफ से अर्चना फल चढ़ा देंगे। स्नानानंतर मरता स्वयं भी स्नानाम्बुसे साधतो वारगंधा क्षत पुष्प दाम चरुकई सद्दीपे चिदूपे भले कामोदाम गजांकुशम जिनपतिम स्वभ्यर्चयम संस्तोतिया या स्यादा रविचंद्रमक्ष सुखम प्रख्यात कीर्ति ध्वजा इति।